हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों को जीके का क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो चलिए समझते हैं। खोजकर्ता बल्ब का खोज किसने किया था? बल्ब का खोज थॉमस अल्वा एडिसन। टेलीफोन का खोज किसने किया था? ग्राहम बेल। वायुयान का खोज किसने किया था? राइट ब्रदर्स। और टीवी का खोज किसने किया था? जे एल बेयर्ड। साइकिल का खोज किसने किया था? मैकमिलन। साइकिल का खोज मैकमिलन किया था। और साइकिल का खोज मशीन का खोज किसने किया है? एलियन होबे। सिलाई मशीन का खोज एलियन होबे। डीजल इंजन का रुडोल्फ हो डीजल। डीजल इंजन का भाप इंजन का स्टीफेनसन। और रबर टायर का डनलप। और परमाणु का रदरफोर्ड। साइकिल का खोज किया है मैकमिलन। सिलाई मशीन का खोज एलियन होबे। डीजल इंजन का रुडोल्फ हो डीजल। भाप इंजन का स्टीफेनसन। रबर टायर का डनलप। परमाणु का रदरफोर्ड। डायनामाइट का खोज किसने किया था? डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल। फोटोग्राफी का एल डेग यूरे। और रेडियम का मैडम क्यूरी। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल। फोटोग्राफी का एल डेग यूरे। रेडियम का मैडम क्यूरी। सबसे अधिक फसलों के उत्पादन वाले राज्य। सेब सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में सेब सबसे ज्यादा पाया जाता है। और चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, पश्चिम बंगाल। और बाजरा राजस्थान। बांस असम। जौ उत्तर प्रदेश। केला कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। और काजू केरल। सेब सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। चावल पश्चिम बंगाल, बाजरा राजस्थान, बांस असम, जौ उत्तर प्रदेश, केला तमिलनाडु, काजू केरल। मिर्च सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मिर्च महाराष्ट्र
राष्ट्र। कपास, कपास सबसे ज्यादा पाया जाता है गुजरात। गेहूं, गेहूं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चना और दाल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। जूट पश्चिम बंगाल, जूट पश्चिम बंगाल। आम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मक्का उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अखरोट महाराष्ट्र, अखरोट महाराष्ट्र। अखरोट गुजरात, गुजरात। मिर्च महाराष्ट्र, कपास गुजरात। गेहूँ उत्तर प्रदेश, चना और दाल मध्य प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, आम उत्तर प्रदेश, मक्का उत्तर प्रदेश, अखरोट गुजरात। दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसा जी के आप लोगों के लिए लाता रहूँगा मैं।